हेलो जी, नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, फिर से आप सबका स्वागत है द मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो मेरा होता है कि भाई मुझे जगह जगह जाकर बताओ, ये दिखाओ कि कौन सा गेस्ट हाउस है, कौन सा होम स्टे है जहां मैं रुक सकता हूं और महीने भर रुक सकता हूं, महीने से ज़्यादा रुक सकता हूं, या एक दो दिन, एक हफ्ते भी रुक सकता हूं और काम कर सकता हूं, वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूं। तो यस, दिस वीडियो इज़ अगेन अबाउट वर्क फ्रॉम होम। और ये जो वीडियो है ये शानदार लोकेशन के साथ है। ये देखो कुछ ऐसा लोकेशन है और सामने आपको दिख रहा होगा पैराग्लाइडिंग भी साथ ही साथ होता चला आ रहा है, काफ़ी लोग हवा में गोते खा रहे हैं, बहुत सारा। ये देखो बिल्कुल पास से आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा सा कुछ लोकेशन है। अभी हूँ मैं पोखरा में और आप जो ये देख रहे हो ये है फेवा लेक और ये है फेवा व्यू कॉटेज एंड लॉज। और ये हैं मेरे साथ विमल भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। ये हैं यहाँ के ओनर और मैं हूँ अभी हैप्पी विलेज है ना भैया, ये हैप्पी विलेज, हैप्पी विलेज, क्या फिर से बताना, हैप्पी विलेज। ओके, तो ये है इनका व्यू कॉटेज एंड लॉज, फेवा व्यू कॉटेज एंड लॉज। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स की कैटेगरी अवेलेबल हैं। पहले ये देखो यार कितने लोग हैं हवा में यार। तो यहाँ का जो फेमस काम है, जो लोग फेमस चीज़ है यहाँ की, वो सबसे ज़्यादा एक फेमस है फेवा लेक और उसके ऊपर से होता हुआ ये पैराग्लाइडिंग। एक साथ आप हवा में पता नहीं कितने लोगों को लटका देख रहे हैं, तो ऐसा भी मैंने अभी तक खुद नहीं देखा था। तो पिछले दो दिन से मैं यहाँ हूँ। मैं रुका था इनके डबल बेडरूम वाले रूम में। और इनके पास कितने कैटेगरीज हैं भैया आपके पास रूम के? थ्री कैटेगरीज हैं। ओके, सबसे पहला जो बेसिक कैटेगरी है वो कौन सा है? वो शेयर्ड रूम वाला है, बेसिक कैटेगरी। शेयर्ड रूम, शेयर्ड बाथरूम। हाँ, शेयर्ड बाथरूम। यस, शेयर्ड बाथरूम। आपको सिंगल एक रूम मिलेगा जिसमें आपको बाथरूम जो है वो कॉमन मिलेगा। सो बेसिकली ये वाला बाथरूम है ना जो उनको मिलेगा, राइट? तो सिंगल बेड वाले में ये शेयर्ड वॉशरूम मिलेगा आपको। सो काफ़ी नीट एंड क्लीन है यार, देख लो यहाँ प्रॉपर्टी भैया ने इतने अच्छे से मैनेज कर रखा है। और मैं आपको बता दूं, भैया ने होटल मैनेजमेंट कर रखा है, तो आपको जब भी खाना खिलाएंगे, आपको आपकी जब भी खातिरदारी करेंगे, तो इतना प्रोफेशनल होने वाला है वो कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल, मैं पिछले दो दिन से हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ का। प्राइजेज़ वगैरह सब आपको मैं आखिरी में बताऊँगा कि कैसी कैटेगरी के कौन से प्राइजेज हैं, क्या कुछ है। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं अपने रूम के तरफ जिसमें मैं था, विच इज़ अ डबल बेडरूम। डबल बेडरूम है ये। यस, मैंने पहले ही दिखा रखा है अपने दूसरे व्लॉग में। अगर मेरा दूसरा व्लॉग आपने नहीं देखा, नेपाल घुमा रहा हूँ मैं अच्छे से, ऐसी ऐसी कंटेंट दिखा रहा हूँ, तो आप ज़रूर से वो देख लेना। ये व्यू आपको मिलेगा इस रूम के साथ, और साथ में ये डबल बेड, काम करने के लिए प्रॉपर टेबल चेयर सब लगा रखा है, एक एक्स्ट्रा बेड भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये मैंने अपना बैग पैक कर लिया भाई, अब मैं यहाँ से चेकआउट करने लगा हूँ और कहीं और जाने लगा हूँ। वो सारी चीज़ आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हो। ये है उसका वॉशरूम जो कि प्राइवेट है, बिल्कुल ये शेयर्ड नहीं है, ये प्राइवेट है। ओके, तो चलते हैं अब दूसरे रूम की तरफ। एक्चुअली क्या है कि ये प्रॉपर्टी फुल्ली बुक्ड है, तो चलते हैं प्रॉपर्टी तो कम से कम घूम लेते हैं कि और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। अभी बेसिकली जस्ट चेक इन हुआ है, इसके पहले मैं वीडियो नहीं बना पाया, वरना एक रूम ये है जो बाहर से शायद दिख जाएगा, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला जो रूम है, ये रूम आपको डबल बेडरूम ही है, लेकिन इसमें अटैच वॉशरूम भी है। वॉशरूम है और अपार्टमेंट, तो किचन भी है अंदर। यस, अंदर आप पका के खा सकते हैं लंबे समय के, एक महीने दो महीने बैठने के लिए बहुत अच्छा जगह है, अच्छा रूम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं वीडियो इसके ऊपर लगा दूंगा तो आप वो भी देख लेना। इसमें अटैच जो किचन भी है, आप आओ आराम से खाना अपना बनाओ, सामान नीचे से जाकर ले आओ। कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। सामान नीचे से जाकर आप ले आओ, अपना राशन पानी लाओ, रखो, बनाओ। अगर आपको पसंद है अपना खुद से बना हुआ खाना खाना, और जब मन किया जैसे मन किया वैसे खा लिया, तो आप ये ऑप्शन भी इनका ऑप्ट कर सकते हो। अब आते हैं, ये एक मैंने अपना रूम दिखा दिया, दिस वॉज माई रूम, और सामने ये व्यू है। बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मज़ेदार व्यू है। यहाँ पे जहाँ ये पैराग्लाइडिंग से लैंड करने वाले हैं, दैट इज़ द लैंडिंग पॉइंट ऑफ पैराग्लाइडर्स, ठीक है। तो अब चलते हैं भैया आपके अपर डेक पे, जो ऊपर वाला डेक है उस पे चलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इनका जो इनकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी दो फ्लोर्स में, एक तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, दूसरा जब आप, अच्छा सिंगल रूम की अगर मैं बात करूँ तो वो सिंगल रूम ये वाला है। इसमें भी अभी गेस्ट आकर रुके हैं, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा सकता। ये कैसा रूम है भैया?
वो रूम नहीं है, वो दैट इज़ द स्टोर रूम, दिस वन इज द सिंगल बेडरूम, जिसमें जो सबसे बजट फ्रेंडली है, वैसे तो बजट फ्रेंडली पूरी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। क्या है, कैसा है, वो कॉस्ट मैं आपको एंड में बताऊँगा वीडियो के, नहीं तो आप देख कर छोड़ के चले जाओगे यार। रुको, देखो, सो दिस इज द अपर डेक, यहाँ बैठो, रात में लाइटिंग वाइटिंग जल जाती है, काफ़ी सही माहौल हो जाता है रात में, और भैया हमेशा ऐसे ही खड़े मिलेंगे आपको आपकी खातिरदारी करने के लिए। यहाँ से आप जब व्यू देखोगे तो और अमेजिंग लगेगा, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो। साथ ही साथ भैया के साथ उनकी फैमिली भी रहती है, ये उनके फादर हैं, ये उनकी मदर हैं, सारे लोग अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे आपकी खातिरदारी करने के लिए। आप देख लो कितने सारे टेबल चेयर्स लगा रखे हैं, आपको कभी भी कोई भी जगह की कमी महसूस नहीं होगी। ये था इनका ऊपर का एरिया, उधर उनका किचन है, आप जो बोलोगे, जो ऑर्डर दोगे किचन से बनकर आपके पास खाना पीना आ जाएगा। भैया एक बार अपनी आप मेन्यू दिखा दो मुझे, कि लोग देख सके कि मेन्यू कैसा है, क्या है। राइट, तो ये था एक मेरा वाला रूम का कैटेगरी, एक कोने वाले रूम की कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी बजट रूम की कैटेगरी। तीनों कैटेगरी मैंने आपको दिखा दी है, और ये है यहाँ का मेन्यू, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में, ताकि आप आराम से पढ़ पाओ। जी भैया, अब आते हैं बजट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी उनकी भी अपने आप में एक कैटेगरी है। एक एक वो जो लोग टूरिस्ट की तरह मेरे तरह आते हैं, दो तीन दिन घूमते हैं, रुकते हैं, खाते पीते हैं और फिर चले जाते हैं। एक वो जो एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए आते हैं, और तीसरे होते हैं जो महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना। वैसे मैं आपको बता दूँ, एक दो लोग हैं जो यहाँ पे 1.5-2 महीने से रह रहे हैं। तो जी आप बताओ कि क्या प्राइसिंग रहेगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो सिंगल बेडरूम है, जिसकी जिसका वॉशरूम शेयरिंग वाला है, बाहर है, उसकी क्या बजट रहेगी, अगर एक दिन के लिए कोई बंदा लेना चाहता है। कोई बंदा लेना चाहता है तो उसको पड़ता है 500 रुपीज़। ऑल दीज प्राइसेज आर इन नेपाली रुपीज़। ओके, हाँ जी, 500 रुपीज़ पर डे। उसके बाद फिर टू पर्सन के लिए 500 पर डे। वो अंदर उसमें डबल बेड ही लगा है। ओके, डबल बेड ही लगा है। टू पर्सन के लिए 500 रुपीज़ नेपाली है, विच मीन्स अराउंड 300 रुपये इंडियन करेंसी, ठीक है। एंड उसके बाद चलते हैं, अगर किसी को 15 डेज के अराउंड के लिए चाहिए, तो क्या उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा? हो जाएगा उसके लिए। आप आओ, इनसे बात करो 15 डेज वाले में, थोड़ा ये निगोशिएट करके ऊपर नीचे करके कर लेंगे। ओके, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए वो रूम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के लिए लेना चाहता है, तो उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ जाएगी? 1 मंथ के लिए वो रहना चाहता है तो 12,000 पड़ेगी। 12,000 पड़ेगी। ओके, वैसे आप पर डे के हिसाब से रहते तो 15 पड़ता है, ऐसे 12 पड़ रहा है, ठीक है। और अगर भैया उस केस में कोई खाना पीना करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो क्या आप उसको खाने वाने का भी पैकेज कुछ दे दोगे साथ साथ में, लंच डिनर या ब्रेकफास्ट या डिनर कुछ करना चाहता है, क्या उसका भी कोई पैकेज है? ब्रेकफास्ट या कुछ करना चाहता है तो उसको 800 पड़ेगा। 800 पर डे के हिसाब का पड़ेगा, तीनों टाइम का, या दो टाइम का, ब्रेकफास्ट और डिनर का, ठीक है। एक ऑप्शन वो भी है, बाद बाकी आप इनसे आओ, निगोशिएट करो, पूरे महीने का कुछ अपना सिस्टम लगवा लो, वो भी आप कर सकते हो। पूरे मंथ का अगर कुछ हो जाए तो उसमें भी पैकेज आप डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हुआ फर्स्ट कैटेगरी, बेसिक रूम जो है, उसमें भी 2 लोग रह सकते हो अगर आप उतने ज़्यादा टाइट बजट पे हो तो। अब आते हैं भैया जो सेकंड कैटेगरी है, यानी मेरा वाला जो रूम था, वो डबल रूम का, वो उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी अगर कोई एक दिन के लिए लेता है? कोई एक दिन के लिए वो रहता है तो उसको 900 पड़ेगी। ओके, अगर ये दो बंदे रहेंगे तो होगा, या एक बंदे? दो बंदे। अभी मैं जिसमें रुका हूँ उसमें अगर कोई दो बंदे आके रुकते हैं पर डे के हिसाब से तो 900 पड़ता है। अगर कोई सिंगल रुकना चाहता है अकेला उसमें, तो उसमें 800 पड़ेगा, ठीक है सर। और फिर अगर उसको चाहिए कि भाई एक महीने के लिए मुझे ये पूरा रूम दे दो, तो क्या पड़ेगा उसको? पड़ेगा 18,000 फॉर पर मंथ। उसमें कुछ इंक्लूडेड होगा, खाना पीना कुछ इंक्लूडेड नहीं होगा? अगर पूरे पैकेज के साथ लेना चाहता है, कोई खाना पीना इंक्लूड करके, तो साथ लेना चाहता है तो ब्रेकफास्ट और डिनर रहता है, अच्छा, उसको रहता है 1,000।
पर पर्सन 1000 पर पर्सन नहीं, पूरे महीने का अगर मैं बात करूं, जैसे आपने 18,000 बोला, अगर पूरे महीने के लिए मैं ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ वो रूम लेना चाहता हूं, एक बार में मैं आपको पैसे देके अपना टेंशन खत्म करना चाहता हूं, तो उसमें कितना आ जाएगा वो? अभी पर पर्सन देता है उसको 30,000 के अराउंड में। ऑल दीज प्राइसेज आर इन नेपाली। आई एम अगेन टेलिंग यू, इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू आईसी इंडियन करेंसी, देन जस्ट डिवाइड इट बाई 1.6, देन यू विल गेट द आईसी। ओके, ठीक है सर। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी वाला जो रूम है, वो कितने का पड़ेगा पर डे? वो पर डे का पड़ेगा 1200। 1200 पड़ेगा पर डे का दो लोगों के लिए। किचन गैस वगैरह सब रहता है, वो पकाने लिए बर्तन वगैरह सब रहता है उसमें। प्रॉपर एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है वो, जिसमें किचन भी साथ में है, तो 1200 रुपए में दो लोगों के लिए वो है, विच इज अ रियली गुड डील। अब आते हैं 15-20 दिन के लिए अगर कोई रुकना चाहता है, तो उसमें कुछ कम ज्यादा हो जाएगा? अभी उसमें कोई नेगोशिएट हो जाए अभी भैया देखो वीडियो के पहले मैंने भैया से बोल दिया था कि एक बार अपने हिसाब से प्राइसेस डिसाइड कर लो, तो उन्होंने किया है। बट आप बात करोगे फ़ोन करके, इनसे अच्छे से बात करना, नेगोशिएट जितना बोल रहे हैं उसके प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अभी पूरी प्राइसेस फिक्स नहीं बता सकते हैं। और ऑल्सो प्राइसेस जो हैं वो सीज़न के हिसाब से कभी कभी थोड़ी बहुत डिफर हो जाती हैं। अगर ऑफ सीज़न में आओगे तो ऑब्वियसली और सस्ता भी मिल सकता है। हाँ जी, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सोच रहे हो कि अचानक से ये नेपाल वाली वीडियो मेरे YouTube चैनल पे कहाँ से आ गई, जबकि नेपाल की सीरीज़ बहुत पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ मैं। तो नहीं, नेपाल की सीरीज़ पूरी ख़त्म नहीं हुई थी, उसमें 2-3 वीडियोस और रह रहे थे। एब्रप्टली मैंने शुरू कर दिया था, जो नई सीरीज़ थी मेरी मलेशिया और थाईलैंड वाली, वो सारी सीरीज़ शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे निकलना पड़ गया था। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, इस वीडियो से उनको बता दूं कि मैं ट्रैवल करता हूं हर जगह, अलग अलग जगह पे, माउंटेन्स हो या फिर बीचेस हो, गोवा से लेकर बहुत सारी अलग अलग जगह पे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पे चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ मैंने ट्रैवल किए, और वहाँ की मैं सस्ते से सस्ते बजट में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो और क्या क्या मस्ती कर सकते हो बजट में रहते हुए, सारी चीज़ें बताता हूँ अपनी तरफ से, कोशिश करके फन वे में। ठीक है जी, तो ये थी मेरी इंट्रोडक्शन। अब आपको बता दूं कि आगे चैनल पे क्या आने वाला है। पिछले 2-2.5 महीने से मैं चैनल पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लाइफ में चल रही थी चीज़ें। अब अगला थाईलैंड का सीरीज़ आने वाला है। थाईलैंड की पूरी सीरीज़ अभी नहीं आई थी, वो मैं अलग तरीके से थोड़ा एडिट कर रहा हूँ, थोड़ी डॉक्यूमेंट्री प्लस फन वाली साइड रहेगा वो। देखो, आप अपना रिव्यू देना, बताना कैसा लगता है जब वो वीडियो आएगी, तो उसके कमेंट में बताना। फिलहाल नेपाल की जो 2-3 वीडियोस रह गई थी, वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। 2-3 दिनों के अंदर वो सारी वीडियोस आ जाएंगी, उसके बाद मस्त सी एक थाईलैंड वाली वीडियोस जो होती हैं वो शुरू होने वाली है, थाईलैंड की सीरीज़। और उसके बाद कुछ 1 महीने बाद एक्साइटिंग मैंने सोच रखा है निकलने की, जो कि बिल्कुल चैनल पे नया होने वाला है। तो ये सब चीज़ों के लिए स्टे ट्यून्ड। और फिलहाल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी अपडेटेड चीज़ें हैं। अभी मैं फ़िलहाल, आप देख रहे होगे, थोड़े खेतों के बीच में आ रखा हूँ। ये मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ कहीं, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ़न चैनल है, जाकर देखो एक बार। और प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना नेपाल की, बहुत सही वीडियोस थी, काफ़ी ज़्यादा इनडेप्थ नॉलेज और मज़ा भी आएगा आप लोगों को देखने में, तो ज़रूर से देखना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।